तो भैया थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, यहाँ के लोग काफी ज्यादा सपोर्टिव होते हैं गाइस। मेरी चेरी यहाँ पे फुल्ली स्नोफॉल से डूबने वाला है, हम लोग यू टर्न लेंगे क्योंकि हेवी स्नोफॉल होने वाला है। सो गाइस फिर से चलते हैं अभी आगे, और हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है, ये बारिश पीछा छोड़ने वाला नहीं है हम लोगों का आज। सोचे तो खूब इंजॉय करेंगे बट बारिश पीछे नहीं छोड़ रही है हम लोग की। सो अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। सो जल्दी से चलते हैं और चल के आते हैं। वैसे मैंने दो दो ग्लव्स पहन रखा है मुस्कान ने, सॉरी ग्लव्स सिंगल पहने हैं, सॉक्स पहने हुए हैं मुस्कान, डबल सॉक्स पहनी हुई, मैंने भी डबल सॉक्स पहन के रखा है, और ये बड़ा वाला जूता देख सकते हैं ये पहन रखा है ताकि ज़्यादा ठंड फील ना हो। गाइस यहाँ से तो हम लोग आ जाएंगे, फिर यहाँ से आगे गैंगटॉक जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, पता नहीं। टेम्परेचर तो हमको लग रहा है माइनस में है अभी यहाँ इस जगह पे, जैसे देख सकते हैं इधर हल्की फुल्की बर्फ है। कुछ देर के लिए बारिश कम हुई थी बट अभी बारिश फिर से स्टार्ट है। तो गाइस देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारा बर्फ का ढेर है। तो गाइस स्नोफॉल स्टार्ट है यहाँ से, ये देखो बर्फबारी हो रहा है गाइस। तो गाइस यहाँ पे एक वाटरफॉल्स है मंदाकिनी फॉल्स। तो गाइस देख सकते हो सामने में, सामने का व्यू काफी जबरदस्त है बट हम लोग बहुत बुरे हाल में है, बुरे सिचुएशन में है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होने लग गई है, और देख सकते हो मेरे हाथ में बर्फ का टुकड़ा आ रहा है। ओ भाई, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे फ्रेश स्नो हो रहा है अभी, बस यही एक्सपीरियंस के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। ये देख सकते हो, ये देखो मेरे हाथ में गाइस, ये सामने में देख सकते हो ये स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। तो यार क्या मस्त व्यू है यार, ओ भाई ओ भाई। ओ देख सकते हो मेरी चेरी पूरा बर्फ से भीग रहा है। ओ तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं कहीं। मेरा उंगली फ्रीज हो रहा है जी, फ्रीज हो रहा मेरा उंगली, कैसे आना यहाँ पे देखो मुस्कान फुल एंजॉय कर रही है अभी स्नो को, और ये कुत्ता देखो यार, ये डॉगी आराम से ठंड में बैठा हुआ है। सो गाइस अभी हम लोग हैं ईस्ट सिक्किम में नाथुला पास, सॉरी नाथुला पास तो नहीं जा पाया क्योंकि हेवी स्नोफॉल की वजह से नाथुला पास अलाउड नहीं है। अभी हम लोग छांगू लेक के करीब हैं, उससे पहले ही हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे हेवी स्नोफॉल हो रहा है, और मेरी चेरी यहाँ पे फुल्ली स्नोफॉल से डूबने वाला है क्योंकि अभी फिलहाल ये बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और देख सकते हैं मेरा गेटअप गाइस, मैंने बड़ा बड़ा शूज और ये रेंट पे पहना हुआ है। ओ भाई, और मुस्कान वहाँ पे कैंटीन में है तो चल रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे क्योंकि हेवी स्नोफॉल होने वाला है, तो फिर हम लोग का यहाँ पर रुकना ठीक नहीं रहेगा। गाइस लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस स्नोफॉल में, मैं और मुस्कान अपनी प्यारी सी चेरी के साथ, और ये भी हम लोग के साथ, काफ़ी सपोर्टिव बाइक है, काफ़ी सपोर्ट किया, मस्त चल रही थी, और हम दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और लाइव स्नोफॉल हो रहा है देख सकते हैं, ये सामने में मेरे बॉडी में ये सारा स्नो है, और मुस्कान भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, एंजॉय कर रही है। आज हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी है, सो हम लोग सोचे कि कुछ यूनिक करते हैं, तो आज हम लोगों ने
यहाँ पे आया हुआ है छांगू लेक। और फिलहाल देख सकते हैं पीछे में पूरा पहाड़ी पहाड़ है और हर जगह स्नो फॉल ही हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग भीग भी चुके हैं, ये तो मैंने रेंट पे लाया था। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। गाइस अभी हम लोग अम्ब्रेला लेके ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि अम्ब्रेला लेके नहीं आएंगे तो इधर आ ही नहीं सकते। ये आवाज़ क्या चीज़ कर रहा है इधर? अच्छा गाइस वहाँ पे देख सकते हैं दूर में वो झरना और ये पूरा वाइट वाइट बर्फ गिर रहा है चारों साइड। और अम्ब्रेला लाना ज़रूरी है, नहीं तो एक तो ऑलरेडी मेरा एक जैकेट भीग चुका है बारिश से और ये दूसरा जैकेट है जो मैंने रेंट पे लिया हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है अभी, फ़िलहाल हल्का हल्का हो रहा है, देख सकते हैं रुए की तरह गिर रहा है चारों तरफ। यहाँ से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को और यहाँ ढेर सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई है। सर आगे में अलाउड नहीं है, इस साइड ही चले जाएगा छांगू लेक। यहाँ से छांगू लेक ज़्यादा दूर नहीं है, आगे में गाड़ी स्किड कर रहा है जिसकी वजह से अलाउड नहीं कर रहा है, तो हम लोग आगे नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम लोग का बाइक है, बाइक ज़्यादा स्किड करेगा। और सोचे हम लोग कुछ खा भी लें तो पॉपकॉर्न साथ में लेके आए हैं और यार काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आ रही है। और उधर से पानी की आवाज़ और भी ऑसम फील करा रही है। फिलहाल मुस्कान से पूछते हैं कैसा लगा इसको? ज़बरदस्त लगा, लेकिन कड़ाके की इतनी ठंड है तो जब मज़ेदार बर्फ गिर रही है एकदम मज़ा आ गया। क्योंकि हम लोगों को बहुत दिन से ये ख्वाहिश था कि हम लोग आए स्नो में आए, और वैसा स्नो नहीं जो जमा हुआ है, हम लोगों को स्नो फॉल देखना था और फाइनली आज हम लोगों का ड्रीम कंप्लीट हुआ। यहाँ से वापस चलेंगे और आगे तो अलाउड नहीं है जाने का हम लोगों को। और हम आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ का घर, और घर के ऊपर पूरा बर्फ जमा हुआ है। सो गाइस हम लोग वाई वाई और सूप पी लिए, अभी इस जगह को यहाँ से छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी स्नोफॉल थोड़ा कम हुआ है, आई थिंक बारिश भी कम हुआ होगा उधर। अब जल्दी से निकल जाना होगा नहीं तो हम लोग फंस सकते हैं यहाँ पे। एक तो परमिशन अलाउड नहीं कर रहा था, अब छतरी हम लोग खोल के आए थे लेकिन अभी छतरी को हम लोग बंद कर ले रहे हैं। काफ़ी दिक्कत हुआ, मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा ठंड, खूब ठंड और बारिश बहुत ज़्यादा परेशान किया आज हम लोगों को। सो फिलहाल इस जगह से हम लोग निकल जाते हैं, हो सकता है आगे दिक्कत हो। पता है हम लोग एक्स्ट्रा ग्लव्स घर से लेके आए थे, फिर से ये ग्लव्स खरीदना पड़ा, मुस्कान के लिए उलन वाला ग्लव्स खरीदना पड़ा। ओह वैसे ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कम नहीं है, यहाँ पे ठीक ठाक है, आगे जाके कम हो सकता था क्योंकि आगे यहाँ का प्रशासन जाने ही नहीं दिया जा रहा है। सो हम लोग यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, हम लोगों को मेन जो इन्जॉय करना था स्नोफॉल वो हम लोगों ने इन्जॉय कर लिया, तो चलते हैं अब हम लोग अपने घर की ओर। घर तो नहीं, अभी पहले सिक्किम चलेंगे तब देखा जाएगा आगे कहाँ तक चलते हैं। और सो गाइस देखो चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, अभी फ्रेश स्नोफॉल हो रहा था, ये सारा फ्रेश स्नोफॉल है। लाइफ में फर्स्ट टाइम हम फ्रेश स्नोफॉल का एक्सपीरियंस ले रहे थे। सो गाइस यहाँ पे एक बड़ा सा स्नो का ढेर है, हम लोग थोड़ा सा देर यहाँ पे इन्जॉय करेंगे और थोड़ा सा हम लोग भी फिसलेंगे ऊपर से, तो चलते हैं हम। अभी आ चुके हैं स्नो के ढेर पे और देख सकते हैं ये बिल्कुल नमक की तरह लग रहा है। सो देख सकते हैं ये बंदा कितना आराम से नीचे फिसलते हुए चले गया और जाके नीचे में लुढ़क गया है, तो अब हम भी चल रहे हैं यहाँ से, अब फिसलते हैं तो रेडी। और ये क्या मज़ा आ रहा भाई, ओ भाई क्या ऑसम वाली फीलिंग आ रही है। और ये बर्फ़ का ढेर मेरे पैरों के बीच में, ओ हो ढेर सारा बर्फ़ मेरे पैरों के बीच में आ गया गाइस। ओ गाइस उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हम लोगों ने रेंट पे सारा चीज़ें लिया था, तो उसको यहाँ पे रिटर्न करना और अपना जैकेट वगैरह लेना है। तो भैया थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं गाइस। तो भैया को बोले कि थोड़ा बाइक निकाल दीजिए, हमको बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी है। ठीक है थैंक यू। सो गाइज आज का ब्लॉग आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, तो चलते हैं अब अपने घर की तरफ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।
और इंस्टा का आईडी भी मैं यहाँ पे दे दूंगा गाइस, फॉलो करना। तो बाय, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी में हम दोनों ने मिलकर खाना खा लिया। अब यहां से चल रहे हैं वापस। रास्ते में राहिल भाई लोग मिले थे, आए हुए थे वो लोग राफ्टिंग करने के लिए। सो चलते हैं, शायद वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग पीछे से धीरे धीरे से चल रहे हैं घर। टाइम हो रहा है 7:27, और अभी हम लोगों को यहाँ से अप्रॉक्स 2 घंटा लगेगा। तो यहाँ से निकलते हैं सिलीगुड़ी से, मिलते हैं जाके सीधे घर पे।